गया है मैंने। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, जो जो लोग यहाँ पे पत्रकार वर्ग से आए हैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊँ, ऐसे भाई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और जो मैंने मराठी में कहे हैं आपको उसको हिंदी में जी ये कह रहा हूँ कि मैं 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लगा लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं ये सत्य है, सच का पता है। ये 14वीं लोकसभा थी, उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे। पुनः आया हूँ यहाँ पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे प्रोग्रेस के हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय के हो, वो सब वो तो हो ही रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इससे पहले कभी देखा नहीं। जैसे मैं उदाहरण कहूँ, ईश्वर से डर के उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि जिस वक्त हम प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं तो ये प्रार्थना होती है कि किसी की दृष्टि न लगे कि ये जो शहर में जो हम लोग कल्पना किया करते थे वो कल्पना का सत्य और कई शहर लेके बैठ गए। मुझे ऐसा लगता है प्रेरणा तो सब मुंबई से मिली है, और जो जो प्रेरणा मिली, जो आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे वो सितारों की और वो चांद की हो, वो जो सपना हम देखा करते थे, मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय एकनाथ जी के साथ हम लोग वो पूरा कर सकते हैं, वो सपना साकार हो सकता है। और जो फिल्म सिटी है वो विश्व में वर्ल्ड की जो मॉडर्न सिटी है वो ऐसी तैयार हो सकती है। मैं वो शुभेच्छा करता हूं कि जो माया नगरी से हम लोग जुड़े हैं और जो आगे निकले हैं और पूरी दुनिया में इज्जत मिली है, उसके साथ हम ईमानदारी से पेश आए, ये ईश्वर से प्रार्थना है।